गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। हम आपको मैथ्स में लेसन 6 ट्राइंगल पढ़ा रहे थे और ट्राइंगल में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में। आज हम आपको उसके आगे के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 है, आकृति 6.37 में यदि ए बी ई बराबर सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो दिया क्या गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के। चित्र देखिए, ए बी सी बड़ा त्रिभुज है और ए डी ई छोटा त्रिभुज है। डी को सी से मिलाया गया है और बी को ई से मिलाया गया है। तो सर्वागसमता नियम के अनुसार ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, और ए डी बराबर ए ई, इसको लिख देंगे पलट के तो समीकरण एक हो गया। और इसी प्रकार सर्वागसमता के नियम से ए बी बराबर ए सी, ये समीकरण दो हो गया। अब हम समीकरण एक में दो से भाग देंगे तो क्या आएगा, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो इसको नीचे त्रिभुज के नीचे जो लिखा है ऐसे लिख देंगे, डी ए बटे बी ए बराबर ए ई बटे ए सी को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब पुनः आइए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए, एंगल ए कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है, तो त्रिभुज डी ए ई समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। अब इसको फिर से क्रम में लिख रहे हैं जिस क्रम में हमें सिद्ध करना है। और ये कसौटी कौन सी है, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड कसौटी है। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। प्रश्न 7 है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, दूसरा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, तीसरा त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, और चौथा त्रिभुज पी डी सी समरूप है बी ई सी के। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए डी शीर्ष लंब है और सी ई भी शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब कोण डी बराबर 90 अंश और कोण ई बराबर भी 90 अंश। चलिए देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो त्रिभुज ए ई पी और सी डी पी में देखिए, कोण डी बराबर 90, कोण ई बराबर 90, तो एंगल ए ई पी बराबर एंगल सी डी पी दोनों 90 अंश हैं। एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी सी शीर्षाभिमुख कोण हैं जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, इसलिए त्रिभुज एंगल एंगल कसौटी द्वारा त्रिभुज ई पी ए समरूप है त्रिभुज डी पी सी के। इसको क्रम से लिख लेंगे तो त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो दूसरा पार्ट में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में हम देखेंगे, कोण डी यहाँ पे भी 90 है और ई 90 है। एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी ई बी दोनों 90 अंश है। एंगल बी बराबर एंगल बी उभयनिष्ठ है जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। फिर त्रिभुज डी बी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई बी सी एंगल एंगल कसौटी द्वारा, और क्रम से लिखने पे जिस रूप में प्रश्न को सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, यही हमको सिद्ध करना था। अब तीसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी पी ए डी बी के। तो तीसरे पार्ट में हम त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे, कोण डी 90 अंश है और कोण ई 90 अंश है। यहाँ एंगल ए को हरे रंग से दिखाया गया है। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी पी में, ए डी बी में एंगल ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी दोनों 90 अंश हैं। एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ई ए पी समरूप हो गया त्रिभुज डी ए बी एंगल एंगल कसौटी के द्वारा, और इसको क्रम से लिखने पे त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। चौथा पार्ट है, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी एफ सी के। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में कोण डी और कोण ई
पुनः 90 डिग्री के जैसे पहले थे और कोण सी जो है इसमें कॉमन है। तो एंगल PDC बराबर एंगल BEC, दोनों 90 अंश हैं, और एंगल C बराबर एंगल से उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए त्रिभुज DCP समरूप है त्रिभुज ECB के एंगल एंगल कसौटी के द्वारा। इसलिए त्रिभुज PDC क्रम से लिखने पर त्रिभुज BEC के समरूप हुआ और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन 8 है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है तथा BE भुजा CD को परस्पर F पे प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो प्रश्न 8 में चित्र देखिए, जैसा कि बुक में बना हुआ है, एंगल A एंगल C के बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल AEB बराबर CBF, ये एकांतर कोण है। अब त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में देखिए, एंगल A बराबर एंगल C सम्मुख कोण है, एंगल AEB बराबर एंगल CBF एकांतर कोण है, तो त्रिभुज AEB समरूप हो गया त्रिभुज CBF के एंगल एंगल कसौटी के द्वारा, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो गया CFB के। तो बच्चों यहीं पे आपका जो है ये वीडियो जो है प्रश्न 8 तक के समाप्त होता है, और इसके जो भी क्वेश्चन हमने आज कराए हैं इसको अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में कर लीजिए।